लेट्स लुक इनटू अ फ्यू मोर कोडिंग कन्वेंशन जो कि हम अपनी एच टी एमल फाइव के डॉक्यूमेंट्स को वेल well फॉर्म रखने के लिए यूज कर सकते हैं अनदर वन इज के हम अपनी uh, जितनी भी एच की डॉक्यूमेंट में हमारी लाइन्स हो उनको हम एक लिमिट्स में रखें हम उसको 80 करेक्टर तक लिमिट कर सकते हैं आप उसको थोड़ा सा डिफरेंट भी यूज कर, कर सकते हैं इट्स ए गुड प्रैक्टिस कि हम उसको 80 करेक्टर तक मैंने मैक्सिमम लिमिट रखें उससे ज्यादा लंबी जो अपनी लाइंस हैं उसको कोड ना करें सिमिलरली स्पेसेस जो हैं इक्वल साइंस जो हम अपने एट्रीब्यूट में यूज करते हैं उसमें अलाउड है हमें एस में लेकिन इट्स अ गुड प्रैक्टिस कि हम इस किस्म की स्पेसिस को ना यूज करें क्योंकि ये बेसिकली इसकी रीडेबिलिटी को मुश्किल करती है इस तरह से लेकिन अगर हम उसको जो रिलेटेड एट्रीब्यूट हों उनके हम एटलीस्ट बीच में इर्द गिर्द जो है एक्स्ट्रा स्पेस ना यूज करें तो वो उसकी रीडेबिलिटी को आसान करता है हमारे लिए सिमिलरली ब्लैंक लाइन्स या uh, वजह इंडेंटेशन को यूज करना भी uh, जो है वो एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है आप uh, यूज कर सकते हैं ब्लैक लाइन्स एक सिमिलर कोड जहां पे आपको लगे कि जो सिमिलर सेट ऑफ कोड है उसको आपने कंप्लीट कर लिया वहां पे आप एक्स्ट्रा लाइन यूज करें uh, लेकिन जो है बिला वजह uh, जो है एडिशनल लाइन्स एड करना इज नॉट अ नॉट अ गुड प्रैक्टिस सिमिलरली आप इंडेंटेशन जो है वो आप यूज कर सकते हैं यूजिंग टू स्पेसिस रादर देन टैब्स आपको अगर हर लाइन के बाद आप एक स्पेस दें और या आप बहुत ज्यादा टैब इंडेंटेशन यूज करेंगे तो आपका जो जब आप एडिटर पे इसको राइट कर रहे होंगे तो एडिशनल इंडेंटेशन से आपका जो लाइंस का साइज है वो बड़ा ज्यादा हो सकता है या आपका जो एक्स्ट्रा स्पेसिंग है वो भी इसकी रिडेबिलिटी को खत्म करती है आप लाइन्स जरूर दें लेकिन लाइन सिर्फ वहां दें जहां पर आपका एक सेट ऑफ कोड एक फंक्शन या एक जो रिलेटेड आइटम है वो कम्पलीट होते हों हम एचटीएमएल फाइव के अंदर एसटीएमएल uh, का और बॉडी का टैग जो है वो कम्पलीटली रिमूव कर सकते हैं दिस इज अलाउड लेकिन इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस टू डू एग्जाम्पल अगर हम देखें कि यहां हमने एक एसटीएमएल की डॉक्यूमेंट रखी है हमने उसके अंदर से एसटीएमएल का टैग और बॉडी का टैग रिमूव कर दिया है तो जो ब्राउजर है वो ऑटोमेटिकली इसको एसटीएमएल फाइव का डॉक्यूमेंट कंसिडर करते हुए इसमें बॉडी का टैग और एसटीएमएल उसकी कंसिडर करेगा लेकिन इट्स वी डो नॉट रिकमेंड के आप जो हैं इन दोनों एलिमेंट्स को रिमूव करें क्योंकि हम खासकर एसटीमर का जो पर्टिकुलर एलिमेंट है हम इसी के साथ लैंग्वेज भी डिफाइन करते हैं लैंग के एट्रीब्यूट के साथ तो इट्स ए गुड प्रैक्टिस एसटीमर का आपको जो है एज ए रूट एलिमेंट आप उसको भी रखें और अपने बॉडी के एलिमेंट को भी इंटैक्ट रखें अपने एसटीमर फाइव के डॉक्यूमेंट में एसटीमर फाइव हमें अलाव करता है कि अगर हम बॉडी का टैग यूज कर रहे हैं तो हम अपने हेड का टैग को रिमूव कर सकते हैं दिस इज ओके हम uh, जितने भी ब्राउजर हैं अगर हम अपना हेड का टैग उसमें से अपनी बॉडी में ना ना रखें अपने एसटीमल के डॉक्यूमेंट में तो ब्राउजर उसके बॉडी से पहले जितने भी आपका uh, कोड होगा वो उसको कंसिडर करेगा कि यह आपका हेड का एलिमेंट के अंदर uh, का कोड है लाइक इन दिस एग्जाम्पल हमने यहां पर एसटीमल uh, और बॉडी का टैग तो यूज किया है लेकिन हमने हेड का टैग नहीं यूज किया तो जो हमारा बॉडी से पहले का जितना भी आपके uh, टैग है जितने भी एलिमेंट्स हैं वो कंसिडर होंगे ब्राउजर में कि वो हेड हेडर एलिमेंट है या हेडर इन्फॉर्मेशन है आपके डॉक्यूमेंट की टाइटल एलिमेंट इज रिक्वायर्ड इन एस्टिमल फाइव आप जस्ट मेक श्योर करें कि जब भी आप टाइटल यूज करें अपनी डॉक्यूमेंट का लिखें तो मेक इट मीनिंगफुल मेक श्योर कि आपका जो टाइटल है उसका टेक्स्ट जो है वो रिलेट करता हो आपकी डॉक्यूमेंट से ताकि जितने भी पार्सल हैं या जितने भी सर्च इंजन हैं वो जब आपकी डॉक्यूमेंट को रीड करें तो वो उसके एक मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन गेट कर सकें इसी तरह आप जब भी आ, अपनी डॉक्यूमेंट के एक एच टीएमएल फाइव डॉक्यूमेंट लिखें तो मेक श्योर कि उसके अंदर एच के एलिमेंट के अंदर उसकी लैंग्वेज जरूर डिफाइन करें ऑल दो इट इज नॉट अ रिक्वायर्ड लेकिन आप जब भी इस लैंग्वेज को आप मैंशन करेंगे तो यू मेक द लाइफ ऑफ अ सर्च इंजन इजियर टू आइडेंटिफाई कि आपकी जो पर्टिकुलर कॉन्टेंट है उसकी लैंग्वेज क्या है आप किस ऑडियंस को एड्रेस करना चाहते हैं लेट्स लुक इन टू दिस एग्जाम्पल कि हमने यहां पे एचटीएमएल के टैग के अंदर एट्रीब्यूट लैंग के अंदर जो है एक लैंग्वेज को स्पेसिफाई किया है इसी तरह मेक श्योर कि आप हमेशा जो आपकी डॉक्यूमेंट का कैरेक्टर सेट है उसको भी मैंशन जरूर करें दिस इज टू मेक श्योर कि आपका जो सर्च इंजन या आपका ब्राउजर है वो अंडरस्टैंड कर सके कि आपकी ऑडियंस क्या है और वो आपके पेज को उसी तरीके से इंटरप्रेट करे एचटीएमएल में जब हम कमेंट्स यूज करते हैं तो इट्स अ बेटर प्रैक्टिस कि जितने भी हमारे शॉर्ट कमेंट्स हों उनको हम हमेशा एक लाइन में रखें और हमारे पास जो कमेंट्स का स्टार्टिंग हमारे पास एलिमेंट है इसके और हम अपने कमेंट के दरम्यान स्पेस हो इसी तरह क्लोज करते हुए भी आप हमेशा कमेंट के बाद एक सिंगल स्पेस दें और उसके बाद उसको क्लोज करें लेकिन अगर आप कोई भी कमेंट्स जो हैं जो आपकी लेंथ जो है जिसकी बढ़ जाती है या वो ज्यादा लम्बे हों तो आप उसको बेहतर है कि आप स्टार्टिंग टैग और एंड टैग को आप हमेशा न्यू लाइन के ऊपर रखें ताकि आपका जो आपका कमेंट है वो क्लीरी क्लैरिटी के साथ जब जो भी आपका डेवलपर हो उसको क्लैरिटी के साथ नजर आए इट्स एनदर गुड प्रैक्टिस के जब आप एचटीएमएल के कमेंट्स लिख रहे हैं और अगर आपके कमेंट्स ज्यादा लंबे हों तो आप उनको मिनिमम दो स्पेसेस की इंडेन्टेशन दें ताकि वो रीडिंग करने में जब आप उसको बाद में पढ़ें तो वो एक आसानी से और इजी टू रीड हों इसी तरह से जब आप सी एस एस को इंक्लूड करते हैं स्टाइल शीट्स को तो इसको भी एक आप सिंपल रखें और आपको इट्स नॉट नेसेसरी कि आप जब टाइप का जो एट्रीब्यूट है वो आप यूज करते हैं इट्स नॉट रिक्वायर्ड कि आप वो टीम फाइव की डॉक्यूमेंट में उसको भी यूज करें यू कैन मेक इट सिंपल लाइक दिस कि हम लिंक उसको रिलेटेड स्टाइल शीट और उसके बाद उसका एच जिसमें हम उसका सीएसएस का जो हमारी रिसोर्स है उसको हम उसका लिंक देते हैं इसी तरह से जावा स्क्रिप्ट लोड करते वक्त एचटीएमएल फाइव के अंदर इट्स नॉट रिक्वायर्ड कि हम जो है उसकी टाइप का एट्रीब्यूट यूज करें और उसकी टाइप जावा जो है वो मैंशन करें द डिफॉल्ट जो आपकी टाइप होती है वो जावा होती है एचटीएमएल फाइव के अंदर तो वी कैन यूज इट लाइक दिस कि हम स्क्रिप्ट का सिंपल टैग यूज करें और उसमें एसआरसी के एट्रीब्यूट में अपनी जो भी हमारी जावा स्क्रिप्ट की फाइल है उसका रेफरेंस या उसका लिंक दें हमारे पास ज्यादातर जो वेब सर्वर्स हैं आ, वो आपके जो केस सेंसिटिव होते हैं आपके पास जितने भी यूनिक्स के सर्वर्स होंगे आपको यूनिक्स के लाइन के मिलेंगे वो आपको केस सेंसिटिव मिलेंगे जबकि विंडोज का सर्वर जो है वो केस सेंसिटिव नहीं होता लेकिन आ, अगर आप अपनी फाइल्स को एक सर्वर से दूसरे सर्वर पर लेके जाते हैं तो ये चीज आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है और अगर एक आध भी जगह पे आपने फाइल का नाम स्मॉल में रखा था लेकिन आप उसको रेफरेंस जो है उसका वो आप कैप्स में कर रहे थे तो इट कैन क्रिएट प्रॉब्लम तो इट्स ऑलवेज अ गुड प्रैक्टिस कि आप जब भी फाइल के नाम रखें तो वो हमेशा स्मॉल केस में रखें ताकि आपका सर्वर जो है उस पर उस डिपेंडेंट ना हो आप और आप जो हैं जो भी आपकी डेवलपमेंट इन्वायरमेंट हो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़े बल्कि वो एक कंसिस्टेंट हो कि वो सर्वर किसी भी सर्वर पर जाए तो वो उसके लिंक्स जो हैं कभी भी ब्रेक ना हो